हेलो सुपर इन्वेस्टर्स, आज सब लोग सोच रहे होंगे क्या हो गया हमारे ब्राइटकॉम को, जो कि आज अपर सर्किट पे नहीं गया। और क्या शेयर में कुछ ख़राबी आ गई है, कुछ बैड न्यूज़ आ गई है? आइए उसके बारे में बात करेंगे कि अदानी का शेयर अच्छा है या बुरा है, जो कि आज साइडवेज गया। आज 44.75 का लो लगाया था, 49 रुपीज़ 5 पैसे का हाई लगाया था एंड क्लोजिंग दिया 48 रुपीज़ 35 पैसे में, जो कि 3.40% अप था। जबकि सबको उम्मीद थी कि आज भी अपर सर्किट ही लगना चाहिए था, पर लगा नहीं। आज NSE पर अराउंड 3,37,00,000 शेयर्स ट्रेड हुए एंड BSE पर अराउंड 81,74,000 शेयर्स, ऑल टुगेदर अराउंड मोर देन 4-5 करोड़ के आसपास शेयर का जो ट्रेडिंग हुआ है, जो कि ज़बरदस्त वॉल्यूम हुआ है। ये काफ़ी पॉजिटिव बात है ब्राइटकॉम ग्रुप के लिए। 47% डिलीवरी था आज भी, काफ़ी स्ट्रॉन्ग डिलीवरी उठाई गई है। आप जानते हैं इंट्राडे चल रहा है इसके अंदर, अभी एशियन के बाहर है ब्राइटकॉम ग्रुप का शेयर, और इसीलिए अभी इसमें काफ़ी उठा पटक होती है, वॉल्यूम भी बहुत ज़्यादा हो रहा है। अब सवाल ऐसा है कि आज इसने अपर सर्किट क्यों नहीं लगाया? भाई आप ये मत पूछिए अपर सर्किट क्यों नहीं लगाया, आप ये पूछिए लोअर सर्किट क्यों नहीं लगाया। उसका कारण ऐसा है, मार्केट आज वीक था, नैसडैक में कल ज़बरदस्त फॉल था, उसके बावजूद भी अपना ब्राइटकॉम ग्रुप में आज लोअर सर्किट नहीं लगा। ये बहुत बड़ी पॉजिटिव बात है भाई। घोड़ा हो, आदमी हो या कोई भी शेयर हो, लगातार भागता नहीं है, थोड़ा दम लेने के लिए रुकता है, सांस फूलती है। जैसे आपकी और हमारी फूलती है, वैसे शेयर की भी सांस फूलती है। 36 रुपीज़ से नॉन स्टॉप चल रहा है भाई, तो थोड़ा तो सांस लेने के लिए रुकेगा कि नहीं? ब्राइटकॉम ग्रुप का शेयर आप क्या एक्सपेक्ट करते हो कि लगातार अपर सर्किट में जाएगा? ऐसा नहीं होता है। हालांकि सेंटिमेंट्स बहुत ख़राब थे IT सेक्टर के लिए आज, उसके बावजूद भी 3.40% अप गया। ये बहुत ही पॉजिटिव बात है ब्राइटकॉम ग्रुप के लिए। आपने खुश होना चाहिए, ना कि दुखी होना चाहिए कि अपर सर्किट आज क्यों नहीं लगा। आपको जानकर हैरानी होगी कि आज निफ्टी IT इंडेक्स जबरदस्त फॉल हुआ, 1.77% डाउन था, बट हमारा ब्राइटकॉम ग्रुप का शेयर ने क्या किया, प्लस में क्लोजिंग दी। और छोटी मोटी नहीं, 3.40% प्लस में क्लोजिंग देना, इसके लिए भी बॉस दम लगता है, दम। और फिर से ब्राइटकॉम ग्रुप ने साबित कर दिया कि BCG का शेयर फायर है, फ्लावर नहीं, झुकेगा नहीं साला। मार्केट में इतनी घबराहट थी, त्राही त्राही मची हुई थी, निफ्टी नीचे गया, बट हमारा ब्राइटकॉम ग्रुप का शेयर लोअर सर्किट में नहीं लगा। ये बहुत बड़ी पॉजिटिव बात है, तो इसीलिए इसमें कोई निराशाजनक बात नहीं है। ब्राइटकॉम ग्रुप में ना कोई निगेटिव न्यूज़ है, ना कोई निगेटिव फैक्टर है अभी कोई। और अभी तो जब से कॉन्फ्रेंस कॉल हुआ है, काफ़ी चीज़ें क्लियर हो चुकी है सभी इन्वेस्टर्स के सामने ब्राइटकॉम ग्रुप के अंदर, और कोई भी ऐसा कोई नेगेटिव फैक्टर अभी नहीं नज़र आ रहा है। और इसीलिए मार्केट के फॉल में नैसडैक का फॉल हुआ, IT इंडेक्स गिरा, बट ब्राइटकॉम ग्रुप का शेयर नहीं गिरा। इसी से शो होता है कि कितनी स्ट्रेंथ है, और अभी भी काफ़ी लोग इसमें बाइंग के लिए इंटरेस्टेड है। इतना वॉल्यूम हुआ आज, करीब करीब 4 करोड़ से भी ज़्यादा का वॉल्यूम हुआ, उसके बावजूद भी इसमें सेलिंग प्रेशर था, बट बायर्स भी उतने ही एक्टिव थे, उसके कारण आखिर में सेलर्स ने हथियार डाल दिए और बायर्स जीत गए। 3.40% अप हुआ, ये बहुत बड़ी बात है। इस वोलेटाइल मार्केट था आज, आज ऐसा लग रहा था कि मार्केट क्रैश हो जाएगा, और उसका टेलर हमें निफ्टी IT इंडेक्स में देखने को मिला। IT के बड़े बड़े शेयर आज गिरे, बट ब्राइटकॉम ग्रुप गिरा नहीं है, तो आपने पॉजिटिव रहना चाहिए। और अभी लॉन्ग टर्म के लिए तो अगर आप होल्ड करते हो तो बाय एंड डिप के स्ट्रैटेजी से ऐड कर सकते हो। फॉरेंसिक ऑडिट का जो रिपोर्ट है पॉजिटिव आएगा, तो फिर तो शेयर रॉकेट बन जाएगा। बस वही है कि इसमें अभी बचा हुआ है इफ्स एंड बट्स, बाकी तो कोई दिक्कत नहीं है ब्राइटकॉम ग्रुप के अंदर। तो इसीलिए आप में से काफ़ी लोगों ने आज बाइंग सेलिंग किया होगा, कमेंट करके ज़रूर बताना। और आपको ब्राइटकॉम ग्रुप का फ्यूचर कैसे लगता है ये भी बताना। तो भाई एक बात ध्यान रखिए, एकदम भागेगा ही भागेगा अपर सर्किट में लगेगा, ऐसा सोचना गलत है। अरे भाई बच्चे की जान लोगे क्या तुम लोग? तो ये सोचो मत भाई, बच्चा कितना भागेगा, थोड़ा दम तो लेने दो और फिर से तैयार होने दो अपर सर्किट के लिए। कल मार्केट अगर फिर से पॉजिटिव रहा, आज मार्केट गिर के फिर से कवर हो गया,
और अभी कल अगर पॉजिटिव रहा तो हो सकता है कल फिर से हमें ऊपर जाता हुआ दिखे। इसका फर्स्ट रेजिस्टेंस है 52 रुपीज़ का, उसको क्रॉस किया तो 58 के लेवल खुल जाएंगे, 58-60 के, और अभी सपोर्ट रहेगा 45 का, उसके बाद 40 का, उसके बाद 36 का। देखते हैं कल क्या होता है हमारे बैटकॉम ग्रुप में, बट ओवरऑल देखा जाए तो काफ़ी स्ट्रांगली परफॉर्म कर रहा है, तो आप लोगों ने खुश होना चाहिए कि ना कि दुखी कि आज अपर सर्किट क्यों नहीं लगा। तो फ्रेंड्स आई होप कि आप लोग सब लोग खुश होंगे एंड होल्ड कर रहे होंगे बैटकॉम ग्रुप को, काफ़ी लोगों ने बाय भी किया होगा, कुछ लोगों ने प्रॉफिट बुकिंग किया होगा तो गलत नहीं है, किसी ने बेचा भी होगा तो, क्योंकि जिन लोगों ने 36 से 40 रुपीज़ के लेवल में लिया होगा उनको अच्छा खासा प्रॉफिट हो रहा है अभी, तो प्रॉफिट बुकिंग करना कोई गलत बात नहीं है, क्योंकि आपको अगर 10 से 20% मिल रहे हैं तो अच्छा खासा प्रॉफिट होता है। प्रॉफिट बुकिंग करके फिर से लो लेवल में ले भी सकते हैं जो लोग ट्रेडर है, बट जो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर है वो लोग होल्ड कर सकते हैं। तो देखना ही है कल क्या होता है बैटकॉम ग्रुप में, बट ओवरऑल देखा जाए तो बैटकॉम ग्रुप का हमारा शेयर काफ़ी स्ट्रांग जा रहा है। आपको क्या लगता है कमेंट करके ज़रूर बताना। थैंक यू फ्रेंड्स।